ब्रॉट टू यू बाय मेघदूत सतरीठा। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। सपा विधायक इरफान सोलंकी के परिवार की मानो श्यामत आ गई है। इरफान सोलंकी तो जेल में थे ही, उनके बाद उनके भाई जेल गए और अब उनके चचा भी पहुंच गए हैं सलाखों के पीछे। उनको भी अब जेल की रोटी ही खानी होगी, जेल का पानी ही पीना होगा। मामला है अवैध तरीके से जमीन कब्जाने का। इसको लेकर इश्तियाक सोलंकी को पुलिस पकड़ ले गई। क्या मामला है, कब का मामला है और इस गिरफ्तारी पर इरफान सोलंकी के चाचा इश्तियाक कैसे खुद की बेगुनाही की बात करते हुए पुलिस को लपेटते हैं, वो सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन पहले ये भी जान लीजिए कि मानो चुन चुन कर सोलंकी परिवार के केसेस और कारनामे निकाले जा रहे हैं कानूनी लंका लगाने के लिए, जिसके लपेटे में चाचा के साथ सपा विधायक की पत्नी भी आ गई हैं। उनके खिलाफ पिछले साल कानपुर में हुई हिंसा के कनेक्शन के मामले में क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई है। वहीं अगर इन चाचा की बात करें तो इश्तियाक सोलंकी पर जाजमऊ थाना क्षेत्र में जमीनों पर अवैध कब्जा और रंगदारी मांगने का आरोप है। 2022 का ये मामला बताया जा रहा है। इरफान सोलंकी के चाचा इश्तियाक के खिलाफ ये मुकदमा बेगमगंज के कंघी मोहल्ला निवासी नसीम आरिफ की ओर से दर्ज कराया गया था, जिसमें कहा गया था कि जब वो समाज सेवी अकील अहमद खान के साथ अपने वाजिदपुर स्थित प्लॉट पर जा रहे थे तो इश्तियाक सोलंकी और उसके साथ ही आ गए। यहीं पर प्लॉट देने के नाम पर इश्तियाक सोलंकी ने धमकी दी थी। वहीं 9 मई को जाजमऊ थाने में एक और मुकदमा इश्तियाक पर दर्ज हुआ। गवाहों को धमकाने की शिकायत दी गई। आरोपी इश्तियाक सोलंकी ने एक महिला के प्लॉट पर आगजनी करने के मामले में गवाह नसीम आरिफ को धमकी दी थी कि वो इस मामले में गवाही ना दे। देखिए ये मुकदमा अलग है। ये मुकदमा 152/2022 है जो जाजमऊ थाने में है। ये जमीन पर कब्जा करने का मामला है और साथ में 327 के अलावा 323, 504, 506 और अन्य कई अन्य भी धाराएं हैं इसमें। इसकी भी विवेचना पिछले कुछ महीनों से प्रचलन में थी और सभी संबंधित जो एविडेंसेस हैं, जो गवाह हैं, उनको एग्जामिन करके एविडेंसेस को कलेक्ट करके आज उसके एक आरोपी इश्तियाक सोलंकी को जाजमऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है और विवेचना सही तरीके से पूरी करके न्यायालय को सौंप दी जाएगी। विधिक प्रक्रिया पर चलेगी। हालांकि इश्तियाक खुद को बेगुनाह बताते हैं और इसे उनके और उनके परिवार के खिलाफ साजिश बताते हैं। वो कहते हैं कि आज तक उनके खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था और ये सब अब अचानक। बेगुनाह हैं, झूठ फंसा दिए। जो इल्ज़ाम लगाए गए यहाँ पर रंगदारी के, जमीन कब्जा करने के, कुछ भी नहीं है। आप लोग पता कर लीजिए, अगर हमारी माँ हो जो सजा हो वो हमने तैयार है। तो आज तक के कोई मुकदमा नहीं हुआ, आज तक इस उम्र में एक भी मुकदमा नहीं हुआ। आपको बता दें कि पड़ोसी महिला नाज फातिमा के प्लॉट में आगजनी के आरोप में सपा विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद है। वहीं उनके खिलाफ जमीन कब्जाने जैसे कई संगीन मामले भी दर्ज हैं। जबकि चचा की गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी भी कानूनी शिकंजे में आ गई। मामला है पिछले साल 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा से जुड़ा, जिसमें इस हिंसा को फंडिंग करने वाले हाजी वसी की कंपनी हमराज कंस्ट्रक्शन में नसीम के बड़े रोल को लेकर सवाल फिर से उठ गए हैं और अब कानपुर पुलिस ने इस केस को दे दिया है क्राइम ब्रांच को, जो अब नसीम सोलंकी किस कंपनी में भूमिका की जाँच कर रही है। तो क्या कहा जाए, क्या इरफान सोलंकी के परिवार के सितारे इन दिनों गर्दिश में है या कुछ और? क्या अतीक मुख्तार के जैसा हाल इनके पूरे परिवार का हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। कानपुर से सिमर चावला के साथ रंजन सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।